नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुर्जर आपका RS स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछला टॉपिक अपना चल रहा था वर्ण विचार, उसी को आगे बढ़ाते हुए और अगला पार्ट उसका लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अपना टॉपिक था वर्ण विचार। अपन क्या पढ़ रहे थे? वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार का अपन पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमारे पास था कि हमने वर्णों को तीन भागों में डिवाइड किया। जैसे पहला था हमारे पास स्वर, दूसरा हमने पढ़ा था व्यंजन, और फिर उसके आगे एक अयोगवाद भी हमने पढ़ लिया था। मैंने पूरी सारणी के माध्यम से आपको डायग्राम बना करके पूरा क्लियर बता दिया कौन से वर्ण किस में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे पास पार्ट सेकेंड वर्ण विचार का। ठीक है दोस्तों, आइए हम वर्ण विचार के सेकंड टॉपिक जो है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें वर्ण विचार को यानी कि वर्णों को दो भागों में, स्वर और व्यंजन, इसमें डिवाइड कर दिया था। हमने पढ़ लिया था कि वर्णों को हमने किस में डिवाइड किया था, स्वर और व्यंजनों में डिवाइड कर लिया था। लेकिन इसके बाद में इसको फिर डिवाइड किया गया था, तो आज हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं कि इसको किस किस में बांटा गया है, इनके भाग कितने हैं, किस किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो आइए दोस्तों देखिए, इसमें स्वर के अंदर अपन साधारण रूप से जान चुके हैं कि अ आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ, यानी कि ये जो स्वर हैं, जो ये स्वर दिए गए हैं, जो ये स्वर हैं, इन स्वरों को अलग अलग जो भाषा विज्ञान है या जो शब्द हिंदी शब्दकोश है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ से इनका ऊंचा होता है, यानी कि अलग अलग उसमें विभाजित किया गया है। जैसे मैं पहला प्रकार बताता हूँ आपको, मात्रा एवं समय के आधार पर, यानी कि इसको किस में डिवाइड करेंगे हम। एक पहला पॉइंट जैसे मैंने लिया है मात्रा एवं समय के आधार पर, यानी कि इसको मात्राओं के आधार पर और समय के आधार पर, यानी कि इसको देखते हैं हम मात्रा और समय, यानी कि जैसे कि हम कैसे देखते हैं कि मात्रा क्या होती है। मात्रा होती है एक छोटा सा समय, यानी कि सॉरी ये समय के आधार पर, समय क्या होता है वही होता है मात्रा को समय कहते हैं। मात्रा ऐसे नहीं होती कि एक मात्रा दो मात्रा, मात्रा होती है कि उसमें कितना पल कितना क्षण लगा, मात्रा कितना पल कितना क्षण लगा, छोटा सा एक पल होता है क्षण होता है उसको हम कहते हैं मात्रा। जैसे इसमें अब देखो इसमें क्या हो गया, इसको डिवाइड किया गया तीन में, इस मात्रा के आधार पर भी तीन में किया गया। पहला हमारे पास आता है ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब है यानी कि कम समय, कम समय या फिर एक मात्रिक, यानी कि एक मात्रिक छोटा सा समय जो लगता है। दूसरा हमारे पास लिया गया था वो था दीर्घ, कौन सा था दीर्घ था दीर्घ, भाई इससे दुगना समय लगेगा, इसमें दो गुना समय लगेगा। ठीक है, दो गुना समय लगेगा, मतलब दो गुना समय का मतलब है द्विमात्रिक हो गया, द्विमात्रिक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा, अभी ये जो है तीसरा है जो है मूल भाषा के अंदर लिया जाता है। मूल भाषा कौन सी, संस्कृत, यानी मातृभाषा संस्कृत है, उसके अंदर इसको लिया गया है जिसे पलुत कहते हैं। ठीक है, पलुत, अब इसमें ये तो है नहीं कि इसमें क्या होता है, इन दोनों की तुलना में ज़्यादा समय लगता है, मतलब रहस्य और दीर्घ, मैं कह सकता हूँ रहस्य और दीर्घ की तुलना में अधिक समय, अधिक समय लगता है। क्या हुआ कि रहस्य में क्या है, थोड़ा समय लग रहा है, यानी कि हम जिसे एक मात्रिक कहते हैं, एक मात्रिक मतलब थोड़ा समय लगना, दीर्घ का मतलब है दुगना समय लगना, यानी कि दुगना समय का मतलब उसकी तुलना में ज़्यादा समय लगेगा, और पलुत का मतलब है रहस्य और दीर्घ की तुलना में इन दोनों से भी अधिक समय लगेगा, जिसमें ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम का उच्चारण आपने देखा होगा कि ओम का उच्चारण करते हैं ओम, लंबा उच्चारण स्थान लिया जाता है, लंबा लास्ट वाला जो होता है उसमें लंबा लिया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं
प्लुत कहते हैं। तो यानी कि इसके अंदर अब कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए इसके अंदर आते हैं हमारे पास एकमात्र यानी ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व का मतलब छोटा यानी कि लघु वर्ण, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा और री आएगा, यानी कि चारों जो वर्ण हैं ये चारों ही वर्ण हमारे किसके अंदर लिया गया है, ह्रस्व के अंदर लिया गया है। ह्रस्व का मतलब है कम समय लगता है यानी कि एकमात्रिक है, ठीक है। और इसके बाद में दीर्घ जो है, दीर्घ के अंदर हमारे पास क्या आएगा, दीर्घ के अंदर हमारे पास आता है आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, री नहीं आएगा, ए आएगा, आई आएगा, ओ और औ, यानी कि ये जो वर्ण है, जो ये वर्ण हमारे पास जो स्वर आए हैं आ ई उ ए आई ओ औ, ये हमारे पास कौन से हैं, दीर्घ। दीर्घ का मतलब है यानी कि इनकी तुलना में बड़े हैं, इनकी तुलना में क्या है, बड़े हैं ये, और यानी कि इनकी तुलना में बड़े होंगे तो समय भी क्या लगेगा, इनकी तुलना में दुगना समय लगेगा। दुगना समय लगेगा तो ये कितने एकमात्रिक, एकमात्रिक वाले ये है उनसे द्विमात्रिक में आएंगे, यानी कि हमारे पास ये कितने हैं, चार हैं, ये कितने हैं, सात हैं, और ये तो हमारे पास सौर हमने कल पढ़े थे कि कितने हैं, ग्यारह हैं, सौर कितने हैं, ग्यारह हैं, तो ग्यारह तो ये हो चुके हैं। लेकिन अब इनके अलावा तो ग्यारह के अलावा तो बचा ही नहीं, तो इसमें कौन आएंगे। और दूसरी बात है इनकी तुलना में तीन मात्रा के, अगर मात्रिक के बाद मात्रा का मतलब अपनी समझे कि ए में एक मात्रा, आ में दो मात्रा, तो मैं फिर तीन मात्रा वाले में ऐसे मात्रा लगाऊंगा, ये थोड़े होगा। या जैसे ओ बनाया, ओ में एक मात्रा, दो मात्रा, तीसरी मात्रा, ये थोड़े होगा, ये ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब है इनकी दोनों की तुलना में क्या लगेगा, इसमें अधिक समय लगेगा, इन दोनों की तुलना में अधिक समय लगेगा, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा। इन दोनों की तुलना में अधिक समय लगा, अधिक समय लगेगा तो यानी कि इनको ही हम क्या लेंगे, आगे आएंगे। जैसे कि इसमें जो पूरे दीर्घ वाले हैं, पूरे दीर्घ वाले आ जाएंगे, आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, ए आ जाएगा, री भी इसमें आ जाएगा, री भी इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा, ये पूरे के पूरे इन पर क्या तीन लगा देते हैं, तीन का मतलब त्रिमात्रिक इस तरह से लगा देते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, त्रिमात्रिक, यानी त्रिमात्रिक। अब ये तो है नहीं कि इनमें तीन मात्रा लगाए, मैंने तीन मात्रा नहीं लगाई, इनका मतलब ये हो गया कि इनको थोड़ा लंबे समय से हम बोलते हैं, इसलिए ये त्रिमात्रिक के अंदर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला हमने क्या देखा, एकमात्रिक। एकमात्रिक फिर से आप देखिए, एकमात्रिक में इन्हीं वर्णों को लिया जाएगा, इन्हीं स्वरों को लिया जाएगा, जो हमारे पास स्वर हैं वो 11 स्वर होते हैं, 11 स्वरों में से हमने जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों को ही हम क्या करते हैं, इनके अंदर बांटते हैं, अलग अलग विभाजित करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो एक तो समय के आधार पर हमने लिया, मात्रा के आधार पर लिया, मात्रा को यानी कि समय, कितना समय उसमें लग रहा है उसके आधार पर हमने लिया, उसके आधार पर लिया है हमने। तो उसमें पहला है ह्रस्व, ह्रस्व यानी कम समय लगता है उसमें, कम समय का मतलब एकमात्रिक होती है, यानी कि उनमें ये अ ई उ री उसमें आते हैं इस चारों में। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है दीर्घ। दूसरा कौन सा आता है, दीर्घ आता है। दीर्घ में क्या होगा, उसकी तुलना में दुगना समय लगेगा, दुगना समय का मतलब है यानी उसमें द्विमात्रिक होगी, ये एकमात्रिक द्विमात्रिक हो जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे, त्रिमात्रिक कहेंगे, अधिक समय यानी त्रिमात्रिक हो जाएगा, मात्रिक हो जाएगा, यानी कि ये इसकी तुलना में क्या हो गया, त्रिमात्रिक हो गया, ये एकमात्रिक द्विमात्रिक, तो इनकी तुलना में वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा समय का मतलब वो त्रिमात्रिक हो गया। इसी प्रकार से अब इसके अंदर आ ई उ ए आई ओ औ, ये सात स्वर आ गए, सात स्वर तुम्हारे 11 थे, 11 समाप्त हो गए। अब यानी इन्हीं स्वरों को यहाँ पर लिया जाता है, और यहाँ पर यानी कि सभी को लिया जाता है, ए को भी लिया जाता है दोस्तों, लेकिन उसमें भी वही त्रिमात्रिक ज़्यादा समय, क्योंकि अंतिम वर्ण जैसे कोई भी स्वर होता है, जैसे राम है, ठीक है दोस्तों, राम के अंदर यहाँ पर पीछे पीछे क्या है, ए है, क्योंकि मैं प्लस ए, यानी पीछे तो ए है ना, अगर मैं राम को आवाज़ लगाऊंगा, तेज आवाज़ लगाऊंगा राम, तो मैं के थोड़े लंबा ले रहा हूँ, ए को ले रहा हूँ, यानी ए भी उसके अंदर प्लुत में शामिल होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें जो भी मात्राएं हैं उन सभी को इसके अंदर डिवाइड किया गया है, सभी स्वरों को लिया गया है, एक मात्रा, द्विमात्रा और प्लुत यानी कि त्रिमात्रा। त्रिमात्रा मतलब समय लगता है, यानी समय को लेते हैं ये, एक क्षण, दो क्षण, थोड़ा सा ज़्यादा दो क्षण, तो और थोड़ा ज़्यादा लगेगा या बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसको हम प्लुत में लेते हैं और त्रिमात्रिक होता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ठीक है दोस्तों। अब दूसरा इसके अंदर ही देखो, दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमारे पास जो होगा वो दूसरा होगा हमारे ओस्ट के आधार पर। दूसरा क्या होगा? ओस्ट के आधार पर होगा। होस्ट क्या होते हैं? यानी हमारे होट। होस्ट किसे कहते हैं? होटो कहते हैं। यानी होटों को जो आकृति बनती है उस आकृति के आधार पर लिया गया, यानी होस्ट के आधार पर, आकृति के आधार पर। यानी हम कह सकते हैं कि आकृति के आधार पर जो है दूसरा, हम कह सकते हैं ओस्ट के आधार पर, होस्ट के आधार पर। होस्ट के आधार पर दोस्तों इसके दो प्रकार हैं। कितने बताएं? दो बताएं। एक वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। यानी वृत्ताकार अवृत्ताकार। यानी वृत्त का मतलब हम जानते हैं कि वृत्त एक गोला बन जाता है। वृत्त का मतलब क्या होता है? एक गोला बन जाता है। वो गोला क्या होगा? यानी कि ऐसा गोला, एक ऐसा गोला जो हमारी आकृति बनाती है। जैसे कि ये गोल होता है, हमारा होठ है, हमारे होठ है वो इस तरह से गोल हो जाते हैं। ऊपर का होठ इस तरह हो जाता है, नीचे का होठ इस तरह हो जाता है। यानी कि ये किस तरह से एक गोला, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये गोला बन जाएगा। जैसे तो गोला बन जाता है, तो उस गोले के अंदर जो जो भी वर्ण बोलते समय, यानी कि जिन जिन इनके अंदर से, यहाँ से और यहाँ तक के पूरे स्वरों में जिन जिन को भी हम बोलेंगे, और बोलते समय हमारे होठों की आकृति ओ जैसी यानी गोल बन जाती है, वृत्त जैसी बन जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम वृत्ताकार आधार पर लेते हैं। अब इनमें कौन कौन से स्वर आएंगे दोस्तों? इनमें से देखिए, इनमें से उ, उ, ओ और औ, ये चारों के चारों स्वर जो हैं हमारे वृत्ताकार में आएंगे। बाकी जो बच गए वो पूरे के पूरे ही किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार में। यानी कि कौन सा बच गया? अ बच गया, आ बच गया, अ आ ई ई बच गया, उ ऊ आ चुका है, ए बच गया, ओ आ गया और दोस्तों री आ गया, री बच गया। यानी कि हमारे पास पूरे के पूरे वही वापस 11 स्वर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 11 स्वरों के अलावा कोई और स्वर है, 11 ही है, 11 के 11 ही यहाँ रहेंगे। यहाँ पर चार यहाँ रह गए आ गए और बाकी वही सात यहाँ आ गए। अब इनमें वर्गीकृत हुआ, इनको बोलते समय आप बोल के देखें उ ओ ओ, यानी कि इन चारों में क्या हुआ? आकृति हमारे होठों की गोल बन चुकी, हमारे होठों की आकृति क्या बन चुकी? गोल बन चुकी है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इनकी आकृति। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन का मतलब है ये है कि ना तो अवृत्ताकार पूछा एग्जामिनर ने, ना ही वृत्ताकार पूछा। तो पूछा क्या? हम तो इनको रट लेते हैं। उन्होंने क्या पूछा कि एक स्वर है जो हमारे पास इस तरह का है, यानी कि ये क्या है? ओ है। इसको हम आगत भी कहते हैं, इसको हम ग्रहित भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ये जो स्वर है आगत या ग्रहित, यानी कि ये अंग्रेजी स्वर है। कौन सा है? अंग्रेजी स्वर है, या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजी स्वर है, या फिर कैसे विदेशी है, विदेशी स्वर है। यानी कि ये जो स्वर है इसके ये सारे नाम है, कोई सा बोल सकता है, लेकिन ये हमारे इसमें नहीं है। इसको मेहमान भी कहते हैं क्योंकि बाहर से आया हुआ, इसलिए मेहमान स्वर भी कहते हैं। यानी कि ये जो, लेकिन ये दोनों में से किस में आएगा ये क्वेश्चन पूछा। यानी कि ओ है वो वृत्ताकार है या अवृत्ताकार है, इसमें पूछ लिया गया। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ये ओ है जो इसके अंदर आएगा। तो दोस्तों इसकी तो संख्या अगर आपको पूछ ली जाए कि चार है पाँच है, क्योंकि ओ भी आ गया इसके अंदर विदेशी जो है, तो अब तो पाँच हो गई। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में चार आएगा तो चार ही देना है और चार ही राइट रहेगा इसका। क्यों? क्योंकि हमें इन्हीं मानते हैं, वो तो विदेशी है, विदेशी मतलब बाहर से आया हुआ है, सिर्फ उसे मान्यता मिली, लेकिन भाषा कोश के अनुसार तो हमारे यही होगा, हिंदी शब्द कोश के अनुसार हमारे चार ही होंगे, और चार है उ उ ओ औ, ठीक है दोस्तों। ये ओ है जो सिर्फ एक यहाँ पर इसको सम्मिलित किया गया है, लेकिन मान्यता नहीं है। इस तरह से शब्द हिंदी शब्द कोश के अनुसार हमारे को चार ही ऑप्शन देना है, चार ही आंसर देना है। अवृत्ताकार जो हमारे पास है वही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगले टॉपिक पे अपन चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हमारे इसका अगला भाग जो है, अगला जो विभाग वर्गीकृत किया गया है इसको, अब क्या गया है, एक तो गया हमारे पास पहला तो कौन सा गया, मात्रा, या फिर हम कह सकते हैं मात्रा के अलावा, या फिर कह सकते हैं हम समय के आधार पर। दूसरा हमारे पास होस्ट के आधार पर गया। अब आएगा हमारे पास जीव के आधार पर। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जीव, हमारी जो जीव है वो जीव किस तरह से क्रियाशील करती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डीपली गया, ये भाषा विज्ञान है, ये फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड वगैरह में आती है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये आपको ये समझाने का मकसद मेरा ये की है कि आप एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, यानी कि आपसे स्वर ये तो पूछेगा नहीं कितने स्वर हैं या कौन कौन से, इन्हीं को वर्गीकृत के अंदर कि कौन सा किस में आता है वही पूछते हैं क्वेश्चन, यानी कि वर्ण जो है ये टॉपिक में से ही क्वेश्चन आता है, और कहाँ से आता है, डीप अंदर जाके से आता है। जैसे इस तरह से अब जीव के आधार पर क्रियाशीलता कितने प्रकार से बांटा गया है तो वो है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो हिंदी ग्रामर है वो ग्रामर तो एक नॉर्मली होती है और हम जैसे पढ़ लेते हैं, साधारण याद करते हैं। मेरा याद करवाना या रटाना एक मकसद नहीं है, मेरा समझाना है, और लाइफ टाइम आप इस तरह से समझ सकते हो कि वो आपकी उंगलियों पे आप व्याकरण को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, इसको एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ। ये आपका एक आपका घर है, या कोई सा भी किसी का घर मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये एक घर है, ठीक है। यहाँ पर एक आपको यहाँ से स्टार्ट होना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को रेस करनी है। जो पहले पहुँचा यहाँ पहुँच जाएगा, मान लीजिए पहला एक व्यक्ति यहाँ पहुँचा सबसे पहले, फिर जो बीच में रह गए वो यहाँ रह गए, और जो पीछे पीछे रह गए जो कमज़ोर थे वो यहाँ रह गए दौड़ने में। अब दोस्तों इसी को आधार मानते हैं। देखो मैं देखें, अब यहाँ से हमने लिया तो ये है अभी, जैसे मान लीजिए अपना मुँह, ठीक है। अब इस मुंह के अंदर हमारी जीभ होती है, तो जीभ को मैंने क्या किया, एक पार्ट बना के अलग दिखा रहा हूँ इसको। जैसे ये क्या है हमारा आगे का भाग, क्या है ये आगे का भाग, ये क्या है मध्य का है, ये क्या है पीछे का है, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमारा मुंह से अगर हम कनेक्ट करके देखते हैं तो आगे की जीभ होती है, वो आगे का मुंह होता है, वो यहाँ रहेगा, ये बीच में रहेगा और ये पीछे पीछे रहेगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार हमारे पास आया है अग्र, एक क्या है अग्र, दूसरा क्या है मध्य, और तीसरा क्या है पश्च, यानी हम इसे कहते हैं पश्च भाग, मध्य भाग और अग्र भाग, यानी कि इस तरह से इनको डिवाइड कर दिया। यानी कि हमारे पास जीभ के आधार पर कितने भाग निकला है, तीन प्रकार, यानी कि एक तो हो गया अग्र भाग, एक हो गया मध्य भाग, और एक हो गया हमारे पास पश्च भाग। ये अब देखिए इनमें कौन कौन सा हमारे पास किस किस के अंदर, यानी कि वर्ण तो यही रहेंगे, और इनको किस में डिवाइड किया है किस प्रकार से। पहला हमारे पास क्या है अग्रभाग है, दूसरा क्या है मध्य भाग है, तीसरा क्या है पश्च भाग है। यानी कि क्या कहा है कि हमारे जीभ का जो आगे का हिस्सा है उसको अग्रभाग कहा है, जो पीछे का हिस्सा है उसे पश्च भाग का, जो बीच का बच गया उसे मध्य कहते हैं। हम भी कोई भी व्यक्ति होता है, अगर दो तीन व्यक्ति खड़े हैं आगे आगे वाले को आगे आगे कहते हैं, अग्र कहते हैं, पीछे पीछे वाले को पीछे पश्च कहते हैं, और बीच में जो खड़ा है उसे मध्य कहते हैं। अब देखिए इनमें जो आपके वर्ण आएंगे ना, वो एक मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ आपको, यानी कि ट्रिक के माध्यम से, यानी कि आपको माइंड लगाना है कि वो ट्रिक क्या है, कैसे आएगा। देखो हमारे पास जो ये वर्ण आने में से एक को पकड़ लो, इन स्वरों में से एक स्वर को पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया जैसे कि अ को, यानी वो अ क्या है मेरे पास मध्य में आ जाएगा, अ कहाँ आ जाएगा मध्य में आ जाएगा। अब देखिए, या तो आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो देखिए अ के बाद में आ यहाँ लिया, ई ई ऊ ऊ ए ए ओ ओ और री, यानी कि मैंने क्या बोला, बीच में एक लिया जो मेरे पास था, ए को मैंने पकड़ा, ए को कहाँ रखा मैंने, बीच में रख दिया,
ए को कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया। अब मैंने ए के बाद में दूसरा जोड़ा जो था उसको कहाँ ले लिया, नीचे ले लिया। अब मैंने क्रम चलाया, एक जोड़ा ऊपर एक जोड़ा नीचे, एक जोड़ा ऊपर एक जोड़ा नीचे, और बचा जो ऊपर, यानी क्योंकि यहाँ पाँच हो गए वहाँ मैंने पाँच कर दिए। यानी कि मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से कैसे लिया, ए को पकड़ा, ए को मैंने मध्य में रख दिया, बीच में रख दिया दोनों को, एक आधार बना लिया ऊपर नीचे का दोनों को डिवाइड करके। अब मैंने आधार बनाने के बाद में क्या किया, मैंने आ बच गया था, ए का जोड़ा ही है आ, उसको मैंने नीचे ले लिया। नीचे लेने के बाद फिर मैंने क्या क्रम चलाया, ई ऊपर लिया, एक जोड़ा ऊपर लिया, एक जोड़ा नीचे लिया, एक जोड़ा ऊपर लिया, एक जोड़ा नीचे लिया। यानी कि मैंने ऊपर नीचे एक जोड़े को डिवाइड करके किया। यानी कि हमारे पास हम क्या निष्कर्ष निकला कि अग्र भाग के अंदर ई आएगा, बड़ा ई आएगा, ए आएगा, आई आएगा और री आएगा, और मध्य में क्या आ गया, ए आ गया, और पश्च भाग में क्या आ गया, आ गया, ऊ आ गया, ऊ आ गया, ओ आ गया, औ आ गया। यानी कि जिस तरह से हमारे पास एक निष्कर्ष निकला, आप इस वाले फॉर्मेट का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ, इसमें वापस आपको क्या करना है, वही एक स्वर लेना है इसमें से। मैंने वापस उसी तरह से ए स्वर आपने क्या किया, चूज कर लिया, उसमें बच्चा क्या, देखो ये कितने नंबर है, एक नंबर, ये दो और ये तीन, ठीक है, तीन नंबर हो गए। यानी तीन नंबर का मतलब है तीन से बनने वाले जितने भी स्वर होंगे वो तीन नंबर में डाल दो। जैसे तीन में क्या बन रहा है, तीन से मैंने आ बना दिया, तीन से मैं ऊ बना दिया, तीन से मैंने बड़ा ओ बना दिया, तीन से मैंने ओ बना दिया, तीन से मैंने बड़ा ओ बना दिया। समझ में आया दोस्तों आपके, देखो मैंने ए को वही बीच में चूज करके बीच में ले लिया। अब मैंने ए के अलावा जितने भी तीन से बनने वाले स्वर हैं उन सबको मैंने पश्च भाग में दे दिया। जैसे तीन से मैंने क्या बनाया, आ आ बना दिया, तीन से मैंने ऊ बना दिया, तीन से मैंने बड़ा ऊ बना दिया, तीन से मैंने ओ बना दिया, तीन से मैंने औ बना दिया। और अब बच गए जो किसमें आ जाएंगे, हमारे इसमें आ जाएंगे, बच्चा क्या, ए आ ई, ई बच गया, ऊ ऊ आ गया, यानी कि ए ए बच गया, ओ ओ आ गया, मतलब री बच गया। समझ में आ गया दोस्तों, इस वाले फॉर्मेट का भी आप इस तरीके का भी ले सकते हैं। यानी कि तीन से बनने वाला क्या हुआ इसमें, देखो ये क्या आ रहा है, तीन, ये पूरा ही तीन है, यहाँ से ये भी तीन है, ये भी तीन है, ये भी तीन है। यानी कि तीन तीन से मैंने क्या बनाया, वो पीछे वाले में ले लिया, पूरे तीन से बनने वाले, बाकी बच गए जो उसमें आ गए। ठीक है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यानी कि हमारे पास अब जीभ के आधार पर भी आ चुका है। अब हमारे पास आता है जीभ के बाद में एक और फॉर्मेट आता है, यानी किसके अंदर, जीभ के बाद में हमारे पास आता है कि इन स्वरों को और किस में बांटा गया। यानी कि हमारे पास क्या होता है, तालु होता है। तालु जैसे देखिए ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है, हर किसी से याद नहीं होता है, अगर याद भी होता तो भूल जाते हैं कि कौन सा आया था, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मेट, एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर और चित्री बना के बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या है। देखिए यहाँ से ये हमारे दांत है, ठीक है दोस्तों, यह दांत किससे बंधे हुए रहते हैं, दांत हमारे मसूड़ों से बंधे हुए रहते हैं। दांत किससे बंधे हुए रहते हैं, मसूड़ों से, और मसूड़ों के ऊपर जो यहाँ से जहाँ से हमारा मसूड़ा खत्म होता है वहाँ से एक तालवा बन जाता है, ठीक है दोस्तों, ऊपर की साइड। और तालवा कहाँ जाके ख़त्म होता है, कांकल पर, कांकल पर जाके ख़त्म हो जाता है। और ये क्या हो गया हमारा, मूर्धा, यानी मूर्धा मतलब मसूड़ा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, दंत, दंत का मतलब दांत हो गए, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, दांत हो गया, ये क्या हो गया, मूर्धा हो गया, और ये क्या हो गया हमारी, कांकल। अब यहाँ से इन दो, यहाँ से हमारी इनके बीच से क्या चलती है, यहाँ से जीभ चलती है, क्या है ये, जीभ, ये जीभ है, ठीक है। अब ये जीभ जो है हमारे तो किसके अनुसार है, और ये बच गया जो हमारे पास क्या है, तालु है, ये क्या है, तालु। मैंने एक प्रकार लिया तालु के आधार पर वर्गीकरण, यानी मैंने किसके आधार पर किया, तालु के आधार पर वर्गीकरण कर रहा हूँ, मतलब मुझे यहाँ से और यहाँ तक के भाग में ही डिवाइड करना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का लेना है। मैंने आपको बताया तालु कहाँ होता है, तालु अपना जो मसूड़े होते हैं मसूड़े से स्टार्ट हो जाते हैं और कांकल तक हमारे क्या होता है, तालवा होता है, और उससे आगे हमारे मसूड़े स्टार्ट हो जाते हैं और मसूड़ों के क्या जुड़े रहते हैं, हमारे दांत जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और ये फिर जीभ क्या हो रहती है, यहाँ से बीच में दांतों के बीच में भी ऐसे निकाल सकते हैं हम, सब कुछ हमारे पास चल रहा है। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसके अलग अलग रूप बताता हूँ, एक
बाकी को हमें मिटाना है, मैं वो लेना नहीं है। ये मेरे पास एक तालवा है, मेरे पास क्या जीभ क्या करेगी, यहाँ पर मेरी जीभ है वो यहाँ से आगे इसके टकरा जाएगी ऐसे, यानी कि यहाँ पर मेरा मुंह को क्या कर देगी, बंद कर दिया इसने, मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक तो यहाँ आ गया, दूसरा देखिए, यानी कि मेरी वही है, ये जीभ इधर तो खुली हुई है लेकिन यहाँ जाके टकरा गई, यहाँ जाके टकरा गई इस तरह से, ये क्या हो गया, यहाँ पर बंद किया इसने, यानी कि यहाँ तो बंद कर दिया लेकिन यहाँ क्या है, खुली हुई है, यहाँ क्या है, खुली हुई है, मतलब मैं इसे कह सकता हूँ खुला हुआ। ठीक है, इसको क्या कह सकता हूँ, खुला हुआ। अब देखिए आगे बात, पहला प्रकार आया बंद, दूसरा प्रकार क्या है, खुला हुआ। अब तीसरा और चौथा मैं एक डायग्राम में समझाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ जो मेरी जो तालवा है, जो तालवा है इसको देखिए, मेरी जीभ क्या हुई, यहाँ से लड़खड़ाती हुई यहाँ जाके टकराई और यहाँ से जाकर के ऐसे करके ऐसे खुल गई, ऐसे खुल गई, मतलब यहाँ भी खुला रख दिया, यहाँ भी खुला, मतलब इधर खुल बंद था लेकिन यहाँ क्या गया, खुला, और इधर क्या गया, बंद, खुला, इधर भी खुला गया, मतलब उसका अपोजिट कर दिया, बंद को दोनों साइड खोल दिया। अब इसका क्या होगा, अब देखो इसको एक नाम दिया गया था, बंद को दिया गया था नाम संवृत, संवृत स्वर, और इसको इसका ही विलोम शब्द है विवृत स्वर। ठीक है, अब यानी कि ये देखिए, ये वो पूरा यहाँ से यहाँ तक थोड़ी खोला, बीच में से आधा कर दिया, तो यानी कि इधर वाला जो हिस्सा आएगा ना, ये तो आ जाएगा हमारे पास अर्ध संवृत, और ये आ जाएगा, इधर वाला हिस्सा आ जाएगा अर्ध विवृत, यानी कि कह सकते हैं हम कि इसका स्वर पूरा है, ये पूरा खुला हुआ है, पूरा स्वर आएगा, यानी कि पूरे स्वर क्या होंगे, संवृत इसके अंदर आएंगे जो, और यहाँ पर इसका ही आधे वाले रहेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास खुला, खुला का मतलब है विवृत स्वर, और उनको ही क्या कर दिया, यहाँ आधा है तो अर्ध संवृत हो गया। मतलब मेरे पास ये चित्र से आप देख रहे होंगे डायग्राम से कि किस किस यानी कितने नाम निकल के आ गए हमारे पास, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम। ठीक है, तो यानी कि इसके आधार पर कितने हो गए, इसके आधार पर हमारे पास हो गए चार, पहला संवृत स्वर, ये इसको कह सकते हैं खुला हुआ है, बंद स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है इसका ही आधा, इसका आधा क्या हो गया, अर्ध, यानी अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, इस तीसरा कौन सा गया, विवृत, विवृत स्वर, या कह सकते हैं इसे क्या हुआ है, खुला हुआ है तो खुला स्वर भी कह सकते हैं इसे। इसके बाद इसी का चौथा पार्ट कौन सा गया, अर्ध विवृत स्वर, यानी कि चार प्रकार हो गए, किसके आधार पर, तालु के आधार पर, यानी कि तालवे के अंदर अंदर, यहाँ से यहाँ तक तालवा, तालवे के अंदर अंदर कौन कौन से प्रकार है, ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे, जहाँ पर हमारा जो जीभ जहाँ आकर के बंद होकर के उसको बंद कर दिया, मतलब जीभ जिससे टकराई हमारे आगे के मुँह से टकराई तो हमारा बंद हो गया, यानी कि संवृत, बाहर आगे से खोल दिया लेकिन पीछे से टकरा गई तो बंद हो गया, यानी कि खुल तो गया, आगे का मुँह, आगे को इसको देखना है, यहाँ खोला है या बंद है, इस बंद आगे से तो बंद है, आगे से खुला है तो खुला है। ठीक है, और उसी का फिर आधा खुला है, यानी आधे यहाँ तक खुला हुआ, यहाँ से बंद कर दिया, इधर भी यहाँ से बंद कर दिया, तो वो अर्ध अर्ध में हो गए। ठीक है, अब इनके अंदर स्वर कहाँ से आ रहे हैं, इनके अंदर स्वर कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ भी आपको इन्हीं स्वरों में से एक स्वर को पकड़ना है। मैंने पकड़ा आ, यानी कि यहाँ से मैंने आ को इसके अंदर दे दिया, यानी आ स्वर यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, आ स्वर यहाँ हो गया। अब देखे आ के अंदर, आ के अलावा मैं एक बात बताता हूँ आपको, विवृत, यानी विवृत का मतलब अगर अविवृत है तो ये पूरा है, एक है। अब मैं इसको अगर दो भागों में बांटूं आधा आधा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐ और है, अगर आधा आधा बांटता हूँ, आधा का मतलब है, आधा का मतलब है, और दोनों मिलकर के मेरे पास क्या हो गया, आ हो गया, तो मैं इसको आ को यहाँ ले सकता हूँ, यानी इसमें क्या लग सकता हूँ, आ, सॉरी ए ले सकता हूँ, यानी आ के बाद ए इसमें आ गया। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास इसमें भी और बाकी दो ही तो स्वर आए हैं, ए और आए तो आए हैं, बाकी स्वर तो बचे हुए हैं, तो बाकी स्वर को मैं अब इधर आगे स्वर लिखता हूँ, तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके उन चित्रों को ले लीजिए।
अब देखिए इसमें आएगा हमारे पास ए ओ, यहाँ पर आएगा बड़ा ए और बड़ा ओ। अब यानी कि हमारे पास ए ओ आ ए ए ओ आ गया, बच गए जो पूरे के पूरे स्वर इसमें आ जाएंगे, यानी कि संवृत में आ जाएंगे। यानी कि क्या रह गया, ए आ गया, आ गया, ई रह गया, बड़ा ई रह गया, ऊ रह गया, बड़ा ऊ रह गया, और बड़ा ऊ के बाद में री रह गया, ए आई ओ औ आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारे पास आता है अनुनासिक आधार पर। अनुनासिक के आधार पर हमारे पास दो है, एक अनुनासिक के आधार पर, एक तो निर्नासिक, एक अनुनासिक। अनुनासिकता के आधार पर, यानी अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिक के आधार पर हमारे पास दो प्रकार बताए। पहला हमारे पास है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मतलब इसका विच्छेद करते हैं निर प्लस अनुनासिक, यानी कि ऐसे वर्ण जिनमें इसका मतलब है अभाव, अभाव यानी कम, कमी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जिसमें जिसमें अभाव कमी हो अनुनासिकी, और दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक देखिए इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। मैंने आप देख रहे होंगे एक वर्ण आता है ओ आया था स्वर, इसके ऊपर अगर अर्ध चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो ये होता है अर्ध चंद्र बिंदु। ठीक है, अगर इसके ऊपर ये ओ लग जाती है, ओ लगने के बाद ये पूरा हो गया चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, यानी पूरा क्या गया चंद्र बिंदु हो गया। तो यानी कि अब इसका मतलब ये है कि अभाव है किसका, अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं, इसको कहते हैं बिंदु को कहते हैं, यानी कि बिंदु का जिस पर अभाव है, यानी कि इस पूरे का ही जिस पर अभाव है वो तो क्या किसमें आ जाएंगे निरनुनासिक में, जिन पर लग जाएगी वो उस वो किसमें आ जाएंगे अनुनासिक। यानी कि कह सकते हैं पूरे के पूरे स्वर आ जाएंगे, ये पूरे के पूरे स्वर किसमें आ जाएंगे इसमें। यानी मैं कह सकता हूँ अ ए के ऊपर लग जाएगा, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, यानी कि यस यही लगेगा आ, ये लग जाएगा ए आ ई। अब ई एक पे तो ये लग जाएगा ये, लेकिन बड़ी ई जो आएगी उस पर ये नहीं लग सकता, तो ये लगेगा। फिर ए जैसे ये है इस पर लग जाएगा, और बड़ा ए है उस पर ये लग जाएगा, ओ पे ये लगेगा, बड़ा ओ है उस पर ये लगेगा, इस तरह से री है उस पे भी ये लग जाएगा। ये क्या हो गया अनुनासिक लगने वाला, ये अनुनासिक वर्ण में आएंगे, पूरे के पूरे वर्ण इसमें आएंगे लेकिन इनमें अभाव रह जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा ए आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ। यानी कि क्या हो गया कि जिनमें अभाव है, जिनमें अभाव है, अभाव क्या है किसका हुआ यहाँ पर, किसका, इसका अभाव हो गया। यानी ये नहीं है अभाव है, मतलब ये स्वर ऐसे ऐसे रह जाएंगे, और अब जिनमें लग गया वो अनुनासिक में आ जाएंगे। अब दोस्तों ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट इसमें और बताता हूँ आपको, एक एक संधि में चलता है, संधि में पता चलेगा सजातीय विजातीय एक प्रकार और बांट देते हैं स्वरों को, इन स्वरों को एक सजातीय और विजातीय में और बांट देते हैं, वो और देख लीजिए। एक जैसे सजात और जात, जाति से पता लगा, यानी जाति हो सकती हो, मैं कह सकता हूँ उसे जातीय, जातीय के आधार पर, आधार पर, यानी जाति के आधार पर, मैं इसे कह सकता हूँ जाति के आधार पर, जाति के आधार पर कह सकते हैं इसे, जातीय मतलब जाति के आधार पर। इसमें क्या होता है कि एक सजातीय विजातीय, यानी कि मेरे पास दो हो गए सजातीय विजातीय। अब ये हमारे पास संधि में पढ़ेंगे हम, संधि में जैसे सजातीय यानी समान, समान जाति, और इसमें असमान जाति। जैसे समान का मतलब, जाति का मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए और आ दोनों एक समान है, एक ही जाति के, ई ई दोनों एक ही जाति के, ऊ ऊ
उर उ दोनों एक ही जाति के, यानी कि ये तीनों के तीनों दीर्घ में आएंगे, दीर्घ संधि के अंदर, ठीक है। अब इनके अलावा भाई मैं कहूँ ये ही है, इनके अलावा जैसे कि आ जाए ए के बाद साथ ए आ जाए, वी जाति हो गया, क्योंकि ए के साथ ए आते समान जाति थे, ये असमान हो गया वी जाति है। जैसे ए के साथ में ई आ जाए, ये वी जाति हो गया, यानी कि ये वी जाति है। ये अपन संधि में चर्चा करेंगे। वैसे जो मैंने प्रकार बताया दोस्तों, वो सारे के सारे क्या थे, एक वर्गीकरण किया गया था ओनली केवल स्वरों का, ठीक है। ये स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया, जो मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया है, और आगे हम कल चर्चा करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, उस जैसे कि क्या था, व्यंजन था, व्यंजन को किस किस में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ था, इन सब के अंदर बांटा गया है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, कल इसकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है, कल का पार्ट टू था, आज ये पार्ट थ्री है, वो आने के लिए आपको कैसे पता चलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स उनमें शेयर करिए, ताकि आपको वो भी इस वीडियो का इसका लाभ उठा सकें, यानी कि वो भी पढ़ सकें, वो भी इसका लाभ। आप सोच रहे होंगे कि जो ये है ये किस लेवल का है, क्या